सब्सक्राइब कीजिए संसार सागर यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ये बिल्कुल फ्री है। हेलो, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं संसार सागर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर पर ही बैठकर अपनी समग्र आईडी को सही कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपकी समग्र आईडी गलत है तो आप घर पर बैठकर ही उसे सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही लाइन में लगने की ज़रूरत है, ना ही वेट करने की ज़रूरत है। आप अपने घर पर बैठकर ही अपनी समग्र आईडी को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपका नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, जेंडर गलत है, सारी चीज़ें आप सही कर सकते हैं। कैसे, ये जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहिए। यदि भूले भटके आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। इसके लिए ये मेरा चैनल है संसार सागर, यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है। जब आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बेल आइकॉन नज़र आएगा। जी हाँ, एक घंटी आपको नज़र आएगी, उस घंटी पर आप क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि जब भी फ्यूचर में मेरा एक कोई भी नया वीडियो आने वाला होगा तो उसकी नोटिफिकेशन या सूचना आपको आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी और आप वो वीडियो बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। जब भी आप मेरे वीडियो देखें, यदि पसंद आते हों तो उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिससे कि आप ही की तरह दूसरों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी जान सकें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि घर पर बैठकर हम अपनी समग्र आईडी को कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसमें कैसे हम करेक्शन कर सकते हैं। ज़्यादातर समग्र आईडियाँ गलत मिलती हैं या किसी कारण बस गलत हो जाती हैं, जिसको सही करवाने के लिए हमें ऑफिस जाना पड़ता है, नगर पालिका जाना पड़ता है, काफ़ी चक्कर काटने पड़ते हैं। नगर पालिका में भी काफ़ी काम रहते हैं जिससे कंप्यूटर ऑपरेटर उन कामों में व्यस्त रहता है और हमें अपना काम करवाने के लिए काफ़ी चक्कर काटने पड़ते हैं या वेट करना पड़ता है और काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अब एक नया ऑप्शन आपको मिल गया है। आप अपने घर पर बैठकर ही अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल से अपनी समग्र आईडी को सही कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। यहाँ पर ऊपर ये क्रोम ब्राउज़र का एड्रेस बार दिया गया है, यहाँ पर टाइप कीजिए समग्र आईडी। और जैसे ही आप समग्र आईडी टाइप करेंगे, समग्र आईडी टाइप करने के बाद इंटर कर दीजिए और इंटर करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत से ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये काफ़ी साइट्स के जो ऑप्शन हैं वो आपको दिखाई देते हैं, जिसमें से सबसे ऊपर लिखा हुआ है समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, समग्र सोशल सिक्योरिटी मिशन। यहाँ पर माउस पॉइंटर को लाइए, ये समग्र .gov.in जो है वेबसाइट का URL है, और यहाँ पर माउस पॉइंटर लाकर आप क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे समग्र पोर्टल ओपन हो जाता है, आपके सामने समग्र पोर्टल खुल जाता है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि नागरिकों के लिए सेवाएं, नगरीय निकाय कॉलोनी वार्ड खोजने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं,
समग्र आईडी प्रोफाइल देखने के लिए आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नई चीज़ है, यहाँ पर न्यू का जो न्यू है लिखा हुआ आ रहा है। ये यूजर मैनुअल है समग्र नागरिक सेवाओं के लिए। इसके द्वारा आप समग्र कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, समग्र सदस्य कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, समग्र बीपीएल कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि समग्र प्रोफाइल अपडेट करें। यहाँ पर समग्र जो प्रोफाइल है आपकी समग्र आईडी का जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ इन्होंने दे दिया है। यहाँ चौथी नंबर पे आप देख सकते हैं जन्म तिथि अपडेट करें। यदि आपकी समग्र आईडी में या समग्र प्रोफाइल में डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपकी जन्म तिथि यदि गलत है, उसको आप सही करना चाहते हैं, तो यहाँ पर माउस पॉइंटर को लाकर क्लिक करें। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज सामने आ जाता है। यहाँ पर जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको आप पढ़ लीजिए, और मैं यहाँ पर हिंदी में करके भी आपको बता देता हूँ। यहाँ समग्र में जन्मतिथि बदलने के लिए पंजीकरण का अनुरोध करने के लिए जो है महत्वपूर्ण निर्देश कुछ दिए हैं इन्होंने। अनुरोध पंजीकृत करने के लिए आपको एक सक्रिय मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। दूसरे नंबर पे है जब आप परिवर्तन के लिए अनुरोध जमा करते हैं तो कृपया सावधानी बरतें और परिश्रम करें। तीसरा पॉइंट है आपके अनुरोध जमा होने के बाद आपको मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का 6 अंकों का पिन प्राप्त होगा। इस ओटीपी को आपकी पहचान सत्यापित करने की आवश्यकता है। तीसरा है इन दस्तावेजों में से एक संलग्न करें। ये जो है दस्तावेज का आकार जो है 100 केबी से कम होना चाहिए। पहला है जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा 10वीं मार्कशीट, तीसरा आधार कार्ड, चौथा पैन कार्ड, पांचवा पासपोर्ट, छठवा ड्राइविंग लाइसेंस, सातवा डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र और आठवा वोटर आईडी कार्ड। इनमें से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो है ये समग्र आईडी और समग्र आईडी पुष्टि करें। इसमें क्या है कि आप जिसकी भी समग्र आईडी को सही करना चाहते हैं उसके लिए आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा जिसकी साइज 100 KBA से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर समग्र आईडी लिखें जिसकी समग्र आईडी आप अपडेट करना चाहते हैं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ आप चेंज करना चाहते हैं या सही करना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिखना होगा। उसकी समग्र आईडी को यहाँ लिखना होगा, उसके बाद कंफर्म करने के लिए दोबारा यहाँ पर लिखना होगा, और लिखने के बाद फिर यहाँ आपको कैप्चा डालना होगा। ये जो अल्फ़ाबेट आप देख रहे हैं इन अल्फ़ाबेटों को यहाँ पर लिखना होगा, और गेट मेंबर डिटेल यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने समग्र आईडी डाली है उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, और उस डिटेल में से आप जो भी करेक्शन करना चाहते हो, जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे थे डेट ऑफ बर्थ की, जन्म तिथि की, तो आप इसके द्वारा यहाँ पर जन्म तिथि को सही कर सकते हैं। उसके बाद जन्म तिथि अपडेट करने के बाद यहाँ पर उन्होंने नाम अपडेट करने का ऑप्शन दिया है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यदि आपका नाम गलत है तो आप इसके द्वारा अपने नाम को सही कर सकते हैं। प्रोसेस वही है, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अपलोड करना होगा, 100 KBA से कम होना चाहिए। और यहाँ पर आप समग्र आईडी लिखेंगे, कन्फर्म समग्र आईडी लिखेंगे, यानी कि एक बार समग्र आईडी आपको यहाँ लिखना है और दोबारा यहाँ टाइप करनी है।
टाइप करने के बाद इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में डालिए और यहाँ गेट मेंबर डिटेल पे क्लिक कीजिए, उसकी डिटेल सामने आ जाएगी। वहाँ पर आपको नाम करेक्शन करने का ऑप्शन दिया जाता है, वहाँ पर जो भी नाम आप सही करना चाहते हैं उस नाम को लिखिए। इंग्लिश में लिखना होगा, हिंदी में लिखना होगा, सरनेम हिंदी में इंग्लिश में लिखना होगा, जो करेक्शन करवाना चाहते हैं वो जब डिटेल आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। इसी तरीके से आप जो है ये लिंक अपडेट कर सकते हैं, जेंडर अपडेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट सदस्य पहचानें, डुप्लीकेट परिवार की पहचान करें, अनुरोध रिक्वेस्ट सर्च करें, परिवार की अनुरोध रिक्वेस्ट सर्च करें, समग्र में नामांकन करें। यहाँ पर आप अपने जो है परिवार को पंजीकृत भी कर सकते हैं, अपने सदस्य का नाम अपनी समग्र आईडी में, परिवार आईडी में जो है जोड़ सकते हैं और सदस्य पंजीकृत करें। यहाँ से आप जो है सदस्य को पंजीकृत कर सकते हैं और यहाँ आप अपनी परिवार आईडी बना सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।